आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। आज 2 दिसंबर है और दूसरा दिन है जीएचएमसी इलेक्शन वोटिंग का। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस और दिगर पुलिस ऑफिसर्स ने वोटिंग काउंटिंग सेंटर का जायजा लिए एलबी स्टेडियम पर और वहां के इंतजाम का जायजा लिए। 4 दिसंबर को जीएचएमसी पोल्स की काउंटिंग होगी, उसी के ताल्लुक से पुलिस ऑफिसर्स इंतजाम का जायजा लिए। हर अहम व ताजा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। సార్ కమిషనర్ కమిషనర్ గారు ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ మీరు జనరేట్ వీడియో सिटी पुलिस के तरफ से आज सभी सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी रैंक ऑफिसर, जॉइंट सीपी रैंक ऑफिसर, एडिशनल सीपी रैंक ऑफिसर्स, सभी काउंटिंग सेंटर का विजिट और वहां का सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसका पूरा आज जायज़ा लिया गया। जीएचएमसी ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के साथ पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा, जो फ्लो ऑफ इवेंट होगा काउंटिंग के दिन, उसका पूरा जायज़ा लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एलबी स्टेडियम में जो जिम्नाजियम ग्राउंड है और बॉक्सिंग ग्राउंड है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बैलेट बॉक्सेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग टेबल तक, उसका क्या सीक्वेंस रहेगा, पुलिस का सिक्योरिटी कैसा रहेगा, जो बीच में वायर मेस किया गया है, लगभग 8 फीट ऊंचा वायर मेस, एंट्री फॉर पोलिंग ऑफिशियल, पोलिंग एजेंट, सब अलग अलग शुरू से ही उसकी तैयारी रहेगी। और इसी तरीके से हर जगह, हर सेंटर में, 15 सेंटर्स में थ्री टीयर सिक्योरिटी में सबसे इनर मोस्ट लेयर TSSP के तरफ से रहेगा। उसके बाद जो मिडिल लेवल है वो सिटी आर्म रिजर्व के तरफ से है, और जो आउटर लेयर है वो सिविल पुलिस के तरफ से है। हर एक 15 सेंटर पे जो नोडल ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर, जो 24 आवर्स रहेंगे, जिनके प्रेजेंस में कल रात में इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो सीलिंग प्रोसेस हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, और हर जगह ये अंतिम प्रोसेस तक ACP साथ रहेंगे। इसी के तरीके से
हर दो या तीन काउंटिंग सेंटर के ऊपर एक एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर रहेंगे। पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर सेंटर में 200 मीटर का रेडियस वहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशूड है। इसका मतलब कि उसके अंदर चार या उससे ज़्यादा प्राइवेट लोग के आने की इजाज़त नहीं है, गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन एजेंट के अलावा और कोई अंदर नहीं आ सकते हैं, और जो पोलिंग स्टाफ हैं वो तो रहेंगे ही अंदर। इसी के मुताबिक रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद 48 आवर्स कोई प्रोसेशन, रैली, विक्ट्री प्रोसेशन, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को सिटी पुलिस के तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कल के पोलिंग में उनके कोऑपरेशन से, उनके तालमेल से सब कुछ अच्छा से गया, और इसी तरीके से काउंटिंग भी अच्छा से जाना चाहिए। और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विक्ट्री प्रोसेशन, विक्ट्री रैली अगर बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो 48 आवर्स के बाद का प्लान करें। थैंक यू।